पिछले तीन दिनों से लग रहा है कि अभी होगा, लेकिन होते होते नहीं हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर होगा कब। ये लीजिए। क्या है? ये पेट खोलने का चूरन है। जी हाँ। खाइए खाइए, खोटी के हाथ से चूरन खाइए, पेट तो क्या नसीब भी खुल जाएगा। देखो तुम ना हमको गुस्सा मत दिलाओ, वरना हमारा प्रेशर बढ़ जाएगा, और हमारा प्रेशर अगर बढ़ गया ना तो कोई फायदा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे कैसे नहीं होगा, उम्मीद पर ही तो दुनिया टिकी है। बस एक चम्मच चूरन खाइए और उम्मीद पर टिके रहिए, भगवान ने चाहा तो जरूर होगा। अरे ला लो। ये को क्यों? पूरा चूरन खा लिया, ताकि जितना असर होना है एक बार में ही हो जाए। अब तो आपको बहुत ही ज्यादा जुलाब होने वाला है। चलिए आप चलिए हमारे साथ। अरे अरे अरे, हमको कहाँ ले जा रही हो, हमको चूरन बुरन से कुछ नहीं होता। अरे आपको तो पता है ना, जो घर में शौचालय बना था वो तो टूट गया है, और गांव में सिर्फ एक ही शौचालय है। अब चलिए हमारे साथ, बस आइए ना। अरे रुको, अरे क्या चल रहा है तुम्हारा? अब आप यहाँ से नहीं लेंगे। तुम हमारे साथ वक्त बिताने के दर्जनों बहाने ढूंढती रहती हो ना। हमको तो बस आपकी परवाह है, और हमको आपकी सेवा करने में ना बहुत आनंद मिलता है। अरे इसको क्या हुआ, बीज रास्ते में कूड़े की तरह पड़ा हुआ है ये। चार गुलाब जामुन के पैसे अभी तक नहीं दिए ना। नहीं, चमेली मामी ने दिए, इसलिए भैया घर से भूख हड़ताल पर है, सुबह से खून की उल्टियां हो रही है। हमने उनको समझाया कि जितना उधार मनोहर मामा के पास है ना, उससे ज्यादा तो आपके अंतिम संस्कार में लग जाएगा, और ये समझते नहीं है। हाय रे हाय, हाय हाय हाय। शांत हो जाओ ना भाई। अरे अरे, हम पैसे दे रहे हैं ना। देखो बेटा, तुम अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दो, अब पता नहीं कब तुम इस दुनिया से निकल लो, और खाम का हमारी ऊपर जो इल्जाम लग जाए, हमारी बेइज्जती खराब हो जाए। ये पकड़ो, ये भैया पकड़ो पैसे आप। अरे मनोहर मामा चौक खा रहे हैं। अरे हमें अपनी जान की चिंता नहीं है, लेकिन आपकी बेइज्जती हम खराब नहीं होने देंगे, बता रहे हैं। अरे आपसे बहुत प्यार जो करते हैं टोपा। सब मनोहर मामा से, भूख हड़ताल करने का डरामा हमसे।